फेक रिव्यूज का मुद्दा, ये भी जी बिजनेस आप देखिए लगातार उठाता है। जी बिजनेस लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहा है जो आम विमर्श में आपको सुनने देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा परेशान इन्हीं मुद्दों से आदमी होता है। और ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है फेक रिव्यूज का। आप कोई भी चीज देखते हैं, रिव्यूज देख के लेते हैं, आपको देखा कि आपकी रेटिंग देख के आपने ले लिया, 5 स्टार रेटिंग है, रिव्यूज अच्छे हैं, तो आपने फट से वो चीज ले ली। लेकिन ये कौन तय करेगा कि वो रेटिंग सही है, जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है? ये कौन तय करेगा कि उस प्रोडक्ट के बारे में जो रिव्यूज दिए गए हैं नीचे वो सही दिए गए हैं, वो पेड नहीं है, वो प्लांटेड नहीं है, वो ऑर्गेनिक नहीं है? तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू था जिसको जी बिजनेस ने उठाया और इस पर वक्त वक्त पर सरकार से सवाल भी किया, अपने सुझाव भी दिए, इस पर हमने चर्चा भी करी थी, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी गए। और अब ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर फर्जी रिव्यू पर सरकार ने लगाम कसने की पूरी तैयारी कस ली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार सोमवार तक ऑनलाइन फर्जी रिव्यू पर गाइडलाइंस जारी कर देगी। सूत्र बता रहे हैं कि ऑनलाइन फर्जी रिव्यू को रोकने के लिए BIS स्टैंडर्ड जारी होंगे। इसमें हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए गाइडलाइंस होंगी। सरकार का क्या प्लान है और गाइडलाइंस में और क्या क्या नियम हो सकते हैं, कैसे सरकार ये तय करेगी कि रिव्यूज या स्टार जो रेटिंग्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं, ये पूरा प्लान समझने के लिए इस वक्त अमरीश हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश बताइए, ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि फेक रिव्यूज फेक रेटिंग्स पर लगाम कस जाएगी, लेकिन है बड़ा जटिल मुद्दा ये, क्योंकि कई लोगों से हमने बातचीत करी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। सरकार इसका क्या सॉल्यूशन लेकर आ सकती है? देखिए दीपक, सबसे पहले जी बिजनेस इस मुद्दे को उठाया था और एक मुहिम की तरह इसको प्रपोज किया था, सरकार से लगातार इस पर बातचीत करते रहे थे हम, और सरकार ने ये साफ कहा था, जी बिजनेस जो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दी थी कि 16 सितंबर को सरकार ने ये जो BIS की गाइडलाइंस है वो तैयार कर ली थी। जब कंपनी और जब कमेटी बनाई गई थी उनके सामने ये गाइडलाइंस रखी गई तो कंपनी ने थोड़ी सी मोहलत मांगी थी ये समझने के लिए कि आखिर इसके जरिए हम क्या क्या बदलाव हमें करने पड़ेंगे। BIS की जो स्टैंडर्ड्स है उनको समझाकर अब सरकार सोमवार को दोपहर 2:30 बजे इनको पब्लिक कर देगी, यानी कि दोपहर 2:30 बजे के बाद से ये एक कानून बन जाएगा और इस गाइडलाइन को मानना हर उस ऑनलाइन एंटिटी के लिए जरूरी होगा और इसका पालन नहीं करने पर उनका लाइसेंस रद्द करने तक की पेनल्टी उनको दी जा सकती है। जो पहली पेनल्टी है वो 10 लाख रुपए की होगी, जो कि अगर बार बार वो करते हैं तो 50 लाख तक इस अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। आखिर कैसे पहचानेंगे कि फेक रिव्यू क्या है, इसका एक सिस्टम पूरा सरकार ने इस गाइडलाइंस के जरिए तय किया है, जिसमें कंपनियां जो ग्राहक है उनका KYC करेंगी, ये मैंडेटरी करेगी। जैसे कि मैं हूं, मान लीजिए मैंने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो मेरे लिए उसका रिव्यू लिखने के लिए उसके साथ अपना डॉक्यूमेंटल एविडेंस देना होगा अनिवार्य कि मैंने ये मेरा बिल है इस वजह से मैं इसका रिव्यू लिख रहा हूं, या फिर मैंने यहां खाना खाया है ये मेरे खाने की फोटो है इसलिए मैं इसका रिव्यू लिख रहा हूं, मैंने ये फिल्म देखी है ये मेरी टिकट है इसलिए मैं इसका रिव्यू लिख रहा हूं। और ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की कोई बुकिंग इस तरह का कोई खरीदारी नहीं की है उनकी KYC अगर नहीं होती है तो कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने पोर्टल से इस तरह की चीजें हटाएं। इसके अलावा जो सबसे अहम मुद्दा इस पूरे चर्चा में आया था कि कई बार कंपनियां जानबूझकर दूसरों को पैसे देकर अगेंस्ट जो कंपनी है फिर दूसरी जो कंपनी है उनके अगेंस्ट इस तरह का एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाती है, ऐसा अगर करने को मिलता है तो उस तरह की कंपनियों के लाइसेंस तक सस्पेंड करने का प्रावधान इस पूरी गाइडलाइन में होगा। इसके अलावा जुर्माना जो है उसकी राशि बढ़ाई जा सकती है अगर ये लगातार इसको ऑफेंड कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार एक बड़े फ्रेमवर्क के साथ सोमवार को आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कंपनियां इसको किस तरह से लेके जाती है, लेकिन ग्राहकों के लिए एक बड़ी सहूलत होगी क्योंकि कई बार होता है कि हम फेक रिव्यू देखकर वो प्रोडक्ट घर ले आते हैं जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता है जिसके लिए हमने पैसे भी ज्यादा दिए होते हैं, तो अब कंज्यूमर को उसके जो राइट्स हैं उसके जो पैसे जो उसने खर्च किए हैं उसकी पूरी पूरी कीमत अदा होगी और अगर नहीं मिलती है पूरी कीमत तो जी बिजनेस फिर आपके साथ है। बिल्कुल आपके साथ है। और एक सवाल एक और है, आपने कहा कि अब बाकायदा वेरीफाइड होंगे यूजर्स, उनका KYC होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर किसी को जेन्युइनली शिकायत करनी है किसी प्रोडक्ट के बारे में या अपना अच्छा अनुभव देना है, अच्छा अनुभव तो हमेशा बोलेंगे कि हाँ ठीक है देते रहिए, लेकिन माना शिकायत मुझे करनी है तो ऐसा तो नहीं फंसा देंगे आपका KYC नहीं हो पा रहा है, नहीं नहीं आप ये रिव्यू अभी डाल नहीं सकते, आप हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि आप सही यूजर हैं या नहीं है, कहीं कहीं इस तरह से तो कंपनियां नहीं करने लग जाएंगी?
दीपक, ये खरीदारी से, खरीदारी के बाद की प्रक्रिया नहीं होगी, ये प्रक्रिया होगी खरीदारी से पहले की। ओके अमूमन जैसे कि हम लोग ने अमेजन या फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाया है, हम उससे जो खरीदारी कर रहे हैं उसके पहले ही वो केवाईसी हो चुका होगा, तब मेरे पास ये राइट्स होंगे कि अब मैं रिव्यू लिखूं तो अपने बिल भी उसके साथ चस्पा करूं। तो इसका मतलब ये कि दो चरणों में प्रक्रिया को है सत्यापित हो चुकी है। पहला तो ये कि हमने अकाउंट जो बनाया वो केवाईसी के साथ है, दूसरा ये कि हमने जो रिव्यू लिखा है वो हमारे बिल या फिर उस प्रक्रिया के साथ, उस फोटो के साथ वो प्रमाणित किया जाता है। ऑल राइट, यानी कि यही है वेरिफाइड यूजर्स और अनवेरिफाइड यूजर्स के बीच की कहानी। वाकई में बहुत दिलचस्प होगा सोमवार को देखना कि इस गाइडलाइंस में और क्या क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था रिव्यूज का और रेटिंग्स को लेकर, जो फेक रिव्यूज को लेकर था, और आम उपभोक्ता कब बेवकूफ बन जाता था उसको पता ही नहीं लगता था। इसलिए एक बहुत बड़ा अधिकार मिलने जा रहा है सोमवार से आम उपभोक्ताओं को। और जैसा अमरीश बता रहे हैं, जी बिजनेस शुरू से ये मुद्दा उठाता रहा है, ट्रैक करता रहा है, और अभी भी कोई कमी पेशी रह जाएगी तो जी बिजनेस आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।